वर्न वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएगा ये पफ स्लीव्स का डिज़ाइन है एंड बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताना बताऊंगी तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट सो गैस यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है इसकी चौड़ाई नौ इंच है एंड लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले लें ले जितना भी आपके पास फैब्रिक हो आप सब जो फैब्रिक है वो पफ स्लीव में आ जाएगा जितना ज़्यादा फैब्रिक होगा उतनी ज्यादा पफ स्लीव आएगी आपकी मतलब ज्यादा प्लेट्स आएंगी इसमें तो यहाँ पे मैंने दो इंच का बॉर्डर लगाऊंगी तो दो इंच नीचे नीच निकालने के बाद मैंने बीस इंच पे मार्किंग किया है बीस इंच मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पे एक क्लाइंस को ड्रॉ कर दूंगी जहाँ पे हमने बीस इंच पे मार्क किया है उसके बाद सेवन इंचज़ का आमूल लगाने के बाद आपको यहाँ पे आप तीन इंच की तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करना है रिंग बॉक्स बना देना है तो यहाँ पे बॉक्स बन चुका है उसके बाद एक स्लीव्स की शेप दे देनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से हमारे जो मोंडे का जो स्लीव्स का शेप होता है वो लग गया है उसके बाद नीचे की साइड से मैंने छः इंच की मोरी ली है एंड एक स्लान सी शेप दूंगी मैं एंड स्लीव्स की मार्किंग हो गई है यहाँ पे हमारी तो आप जैसे नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग करते हैं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल स्लीव्स हो गई है हमारी उसके बाद हम जो पफ स्लीव्स बनाएंगे तो उसके लिए हमें मार्किंग जो है वो कुछ इस तरीके से करनी होगी जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर पफ स्लीव्स का ये मार्किंग किया है उसके बाद मैं स्लीव्स को कटिंग कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स पफ स्लीव्स को कटिंग कर लिया है कटिंग करने के बाद बिल्कुल सेंटर में ऊपर की साइड आपको कट लगा देना है जिससे हमें सेंटर का पता लग जाए तो बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पे कट लगा देना है तो मैंने कट लगा दिया है उसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेट्स डालनी है तो दो इंच पर मैं मार्किंग करूँगी दोनों तरफ सेंटर से हमें दो इंच इधर एंड दो इंच दूसरी तरफ पर मार्किंग करना है मार्किंग करने के बाद आपको इसके ऊपर प्लेट्स डालने स्टार्ट करनी है तो जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम प्रोसेस आपको अपनाना है एंड आपका जो पफ स्लीव है वो बन के तैयार हो जाएगा सो गेज़ अगर आपका जो मोडा है वो कम ज़्यादा होगा तो आपको प्लेट्स घटा बढ़ा देनी है अगर आपके प्लेट्स डालने के बाद कम हो रहा है मोडा तो आप बढ़ा दे खोल दें अपनी प्लेट्स को थोड़ी सी उसके बाद सेम कर लें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं पूरे में प्लेट्स डाल दूँगी एंड जितना हमारा आमोल है उतना ही हमें स्लीव्स को कर लेना है अपनी तो यहाँ पे हमने पफ स्लीव्स की जो प्लेट्स होती हैं वो बना ली हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद हम नीचे का जो दो इंच हमने निकाला था उसका बॉर्डर तैयार करेंगे दो इंच का हमने यहाँ पे बुकरम लिया है उसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी एंड एक सेंटर में हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है तो यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें सेंटर का पता चल जाएगा एंड उसके बाद हम इस पर लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है उसके बाद हमने यहाँ पे एक ढक्कन लिया है कोई भी चूड़ी या ढक्कन गोल शेप आप ले लें उसके बाद हम इसे इस तरीके से रखेंगे एंड जो हमने लाइन करी थी वहीं तक आपको ये हाफ़ सर्कल बनाना है तो बिल्कुल बराबर बराबर से ही आपको हाफ सर्कल बनाते चले जाना है इस पूरी पट्टी पर पूरी पट्टी पे हाफ़ सर्कल बनाने के बाद आपको इसे एज इट इज़ कट कर लेना है जिस शेप में आपने सर्कल बनाया है एंड ये वाली जो बुकरम है हमने चिपकने वाली बुकरम ली है इससे आपके जो कटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से आएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अगर बनाना चाहते हैं फिनिशिंग से अपना डिज़ाइन तो इसमें आप चिपकने वाली बुकरम ले लें यहाँ पे हमने सारे कटवर्क को कट कर लिया है ये देख सकते हैं उसके बाद हम इसे फैब्रिक पे चिपका लेंगे तो यहाँ पे मैंने एक फ़ैब्रिक पे इसे चिपका लिया है एंड दूसरा फैब्रिक इसके पीछे नीचे की साइड रख लिया है जिसे हम जब इसे राइट साइड टर्न करेंगे तो दोनों तरफ हमारा फ़ैब्रिक आ जाएगा उसके बाद आपको जित बरा बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर स्टिच करते चले जाना है एंड बहुत ही ईजिली आपके कटवर्क बन के तैयार हो जाएंगे सो गाइज नीचे की साइड एक और फ़ैब्रिक आपको रखना है इस चीज़ का ध्यान रखें ये दो फैब्रिक होने चाहिए एक फ़ैब्रिक पे आपकी बुकरम चिपकी हुई हुई है एंड दूसरे फैब्रिक आपका इसके नीचे होना ही चाहिए तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है उसके बाद कॉटन इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैं सारे कटवर्क को कट कर लूंगी एंड बीच में एक छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कट तो सारे कटवर्क को मैंने कट कर लिया है उसके बाद मैं इसे राइट साइड पे टर्न करूंगी सो सुगैस यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से आपको इसे राइट साइड पे सारे कटवर्क को बाहर की साइड निकाल देना है एंड इस पर आयरन कर लेना है तो यहाँ पे मैंने इसे आयरन कर लिया है देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे कटवा की जो पट्टी है वो तैयार हुई है उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने डेढ़ इंच के करीब ली है अब मैं इसे फोल्ड करूँगी तो दोनों तरफ से आपको अच्छे से फ़ोल्ड करना है एंड एक बारीक सी पट्टी बना लेनी है ज़्यादा भी बारीक नहीं बनानी है आपको नॉर्मल जितनी वीडियो में दिखाई जा रही है इतनी चौड़ी आपको पट्टी बनानी है एंड किनारे पर इसके बिल्कुल स्ट्रिच कर लें तो यहाँ पर हमने पट्टी को तैयार कर लिया है उसके बाद हम इस पट्टी को पीसेज में कट कर लेंगे तो यहाँ पे मैं छः छः इंच के करीब पट्टी को कट कर लूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाँच या छः इंच आपको इन पट्टियों को कट कर लेना है काफ़ी सारी इसी तरीके से पट्टी को कट कर लेना है आपको तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी पट्टियों को कट कर लिया है इस देख सकते हैं आप तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है इन पट्टी को फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है तो कुछ इस शेप में आपको पट्टी को फोल्ड करना है एंड स्टिच कर लेना है दूसरी पट्टी को भी मैं इसी तरीके से फोल्ड करूंगी जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है एंड इसे भी मैं इस, इस पर स्टिच कर लूँगी तो सारी पट्टियों को आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है एंड स्टिच कर लेना है तो यहाँ पे हमने सारी पट्टियों को स्टिच कर लिया है गाइस देख सकते हैं उसके बाद हमने कटवर्क वाले पट्टी लेनी है अपनी एंड उनके बीच में कुछ इस तरीके से लगा देना है इन पट्टियों को सो so, गाइस यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस मेरे कमरे की ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं मैं किस तरीके से इसे लगा रही हूँ इन पट्टियों को आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है इन कटवर्क के एंड स्ट्रेच करते चले जाना है बहुत ही ब्यूटीफुल ये आपका डिज़ाइन लगेगा सिंपल एंड सोबर सा डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल लगेगा बना के ज़रूर देखिएगा अगर इसे आप बनाएंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर पिक शेयर ज़रूर करिएगा मैंने इंस्टाग्राम की आई अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मुझे फॉलो कर सकते हैं आप वहाँ पर भी जाके बहुत अच्छे अच्छे रील्स एंड पोस्ट मैं शेयर करती रहती हूँ वहाँ पर तो सारी पट्टियों को मैंने कटवाक पे लगा दिया है गाइस देख सकते हैं इस तरीके का लुक आएगा इस पट्टी का उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको नीचे से कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इसे आपको अपनी स्लीव्स के ऊपर अटैच करना है तो सबसे पहले आपको अपनी स्लीव्स ले लेनी है एंड जो हमने प्लेट्स को डाला था उनके ऊपर स्टिच कर लेना है आपको तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है उसके बाद इसकी मोरी के ऊपर आपको ये बॉर्डर रखना है एंड इसे भी स्टिच कर लेना है सो so गाइज हमने अपने बॉर्डर को लगा दिया है तो यह है मेरा फाइनल लुक स्लीव्स का ऊपर से ये पफ स्लीव्स बनेगी एंड नीचे से इसका डिजाइन आप देख ही सकते हैं आई होप आपको ये पफ स्लीव्स का डिजाइन बहुत अच्छा लगा होगा तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले